यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये वही एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट जिसने ये एस्टेब्लिश किया। इस ये जब हो गया तब हाइगन की बात भी लोगों ने मानी, नहीं तो मैंने आपको बताया था हाइगन बहुत चिल्लाता रहा था, बहुत शोर मचाता रहा था, ये लाइट वेव होती है, लाइट वेव होती है, बट न्यूटन ने चलने ही नहीं दी उसकी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर इस तरह की फ्रिंजेस दिखी, देखो क्या है इसमें, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये बेटा कि स्क्रीन देखो, अगर आपने स्लिट ऐसे लिए, स्लिट है बेसिकली, यहाँ पर एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहा हूँ, ठीक है ना, व्हाइट लाइट बिल्कुल नहीं है, एकदम स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये आपका पूरा कार्डबोर्ड है, मतलब इस एरिया में जो लाइट आ सकती है केवल इस स्लिट से आ सकती, ठीक है। उसके आगे ये दो स्लिट है, ठीक है ना, इसके आगे ये दो स्लिट बनाई गई है इस कार्डबोर्ड की, तो अब इस रीजन में जो भी लाइट जाएगी वो केवल S1 और S2 से निकल के आ सकती, ठीक है, वो केवल S1 और S2 से निकल के आ सकती है, और कहीं से भी इस स्क्रीन पर लाइट नहीं गिर सकती, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब क्योंकि ये दोनों सोर्स से, एक ही सोर्स से बने हैं, इसलिए ये कोहेरेंट हो जाए, ठीक है। तो लाइट के जब भी अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट बनाने हैं आपको, तो ये कंडीशन है बेटा कि दोनों सोर्सेस ओरिजिनली एक ही सोर्स से बनने चाहिए, तब वो कोहेरेंट हो सकते हैं, नहीं तो दो अलग अलग सोर्सेस तो कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये लेंथ फिक्स है ना बेटा, ये लेंथ अगर फिक्स है तो यहाँ पर अगर मैक्सिमा है तो यहाँ पर जो भी कुछ होना है, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी फेज होनी है दोनों की, देखो यहाँ पर मान लो 5 नॉट फेज है, ठीक है ना, जब भी लाइट निकल रही तो मान लो 5 नॉट फेज है, ठीक है ना, तो 5 नॉट यहाँ पर फेज है, और यहाँ पर फेज अगर 5-1 हो गई और यहाँ पर फेज 5-2 हो गई, तो आपका देखो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है इस लेंथ पे डिपेंड करेगा, वही फार्मूला 5-1 - 5-0 इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, ये क्या होगा 5-2 - 5-0 इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, ऐसे ही लिखोगे कि नहीं, एक बार ढंग से सुन लो कि एक सोर्स से कोहेरेंट सोर्स कैसे बन जाएंगे। 5-1 - 5-0 कितना होगा 2π/λ इंटू S1, ठीक है, और ये कितना होगा किसी भी टाइम पर, यहाँ पर फेज क्या होगी 5-2 - 5-0 इज इक्वल टू 2π/λ इंटू S2, ठीक है ना, S2, तो आप इनको अब सब्ट्रैक्ट करो, देखो 5 नॉट कट गया ना, तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल SS2 - SS1 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लेंथ तो टाइम के साथ नहीं बदलेगी ना, तो इसलिए एक सोर्स से बनने वाले दोनों सोर्सेस क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर लाइट गिर रही है तो ये जो सोर्सेज है इनका इनिशियल फेज डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, अगर आपने ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर ले ली तो ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, जो जनरली आइडियल YDSE में सब बराबर है, सिमेट्रिक, तो इन पर इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों पर क्या है, 0, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे तो क्या होगा, टाइम के साथ तो नहीं बदलेगा, ठीक है, बट कांस्टेंट तो हमेशा है, बट एक जो स्टैंडर्ड YDSE वो सारा ऐसा है, इसमें मॉडिफिकेशन बहुत करेंगे अपन, क्वेश्चन आते हैं उस मॉडिफिकेशन पर, बट अभी सबसे बेसिक YDSE अपन देख रहे हैं, ठीक है, सबसे बेसिक YDSE हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये क्या है आपका, कोहेरेंट सोर्सेज नहीं, ठीक है ना, ये दोनों आपके कोहेरेंट सोर्सेज है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये फ्रिंजेस हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक है, तो देखो साइड व्यू ये तो आपको दिखाना ही है, आपने स्लिट इस तरह की ली है तो यहाँ पर फ्रिंजेस भी इसी शेप की बनेंगे, हमेशा स्लिट्स के पैरेलल रहेंगे, आप ये स्लिट्स वर्टिकल भी काट सकते थे इस कार्डबोर्ड के अंदर, ठीक है, आप ऐसी स्लिट भी काट सकते थे, तो फ्रिंजेस फिर मतलब ये फ्रिंजेस भी इसके हमेशा स्लिट्स के पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो ये तीन तो डायग्राम है, ये वाला भी बनाओ, ये आपका ऑप्शनल है, ये मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ये दोनों मैंडेटरी डायग्राम है, जब भी आपको YDSE अगर बड़े क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को भी बोला जाता है, सबसे पहला काम है ये दो डायग्राम, ये इसी एक्सपेरिमेंट का साइड व्यू है, S1 S2, S से लाइट चली किसी भी जनरल पी पॉइंट पर, यहाँ से आपकी लाइट क्या करेंगी, दोनों सोर्सेस से आने वाली सुपर इम्पोज करेंगी, तो जैसे ये पॉइंट अगर जो कि सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है, ठीक है ना, ये तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर ही रहेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पर तो पाथ डिफरेंस हमेशा क्या है, 0, अगर यहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो,
इस पॉइंट पर क्या है, पार्ट डिफरेंस क्या है, जीरो। तो ये क्या कहलाता है, जहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो होता है सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, तो इस ओ पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट मान लो, तो ओ पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी, कोई है बच्चा जो बता दे। अगर मैं इनकी इंटेंसिटी आई नॉट मान लू दोनों की, इससे जो वेव पहुंच रही है आई नॉट है, इससे जो वेव पहुंच रही है इंटेंसिटी आई नॉट है, तो ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, कोई है जो बता सकता है, किसने बताया। फोर सबको इतना सुन रहे हैं कि नहीं सब लोग। यस हरियन दो क्वेश्चन तो गया सर। आपका, थ्री लेमडा वाला तो पहले आई का। नो हाँ, तो यहाँ पर फोर कितना हो फाइव जाएगा, फोर आई नो। फोर हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों की पार्ट डिफरेंस जीरो है, तो मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी फोर आई नॉट, या फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव नॉट बाई टू से भी चेक कर सकते। फाइव नॉट जीरो, तो इंटेंसिटी क्या होगी, फोर आई नॉट। ठीक है, तो ये तो आपका एक डायग्राम है, ये उसका साइड व्यू है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी होगी। ये कंडीशन हमेशा वैलिड है वाईडीएसई में। स्क्रीन आपकी बहुत दूर है, ठीक है ना, स्क्रीन आपकी बहुत दूर है हमेशा इसमें, जब भी स्टैंडर्ड वाईडीएसई है। ठीक है, तो स्क्रीन आपकी क्या रहेगी, बहुत दूर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन है आपकी बहुत दूर है। ठीक है, कैपिटल डी इन बीच की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ऐसा है जो यहाँ दिखा भी रखा, ये एस वन एस टू है और ये पॉइंट। ठीक है, तो अब सारा बात है आपकी कि इसका पाथ डिफरेंस थीटा की टर्म में कैसे लिखा जाए। जैसे वहां पर आपने थ्री लेमडा कॉस थीटा निकाल लिया, ठीक है ना, वहां पर आपने थ्री लेमडा कॉस थीटा निकाल लिया था। यहाँ पर ये स्क्रीन बहुत दूर रखी गई है, जिससे कि आप पार्ट डिफरेंस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल पाए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट पी, देखो इस तरह की सिचुएशन है, ये बहुत क्लोज है, स्क्रीन बहुत दूर है। ठीक है, तो आपको इन दोनों पी लंबाइयों में डिफरेंस निकालना है। तो पहला बात थी आपकी ये वाला डायग्राम, दूसरा ये वाला डायग्राम। ठीक है, तीसरी बात है पार्ट डिफरेंस लिखना। तो पहले तो आप लिख दोगे क्या क्या लिखना है वो देखते हैं, पार्ट डिफरेंस पे भी आते हैं। तो बोर्ड में पहले तो ये दो डायग्राम बने, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, इसकी आपको ऐसी जरूरत नहीं, दोनों जस्ट बता दिए कि ऐसे भी हो तो घबराना मत, लेंस कहाँ से रख, कुछ नहीं, इसका मतलब सीधा है कि यहाँ तक पार्ट डिफरेंस जीरो है, नॉर्मल लाइट गिर रही है, ठीक है ना, बाकी सब वही है। कहीं आप सोचो ये तो बताया नहीं था कि लेंस लगाओ तो आईडीएस कैसे होगा, ऐसे मत करना। ठीक है, यहाँ पर जस्ट दो लाइट गिर रही है, आगे की सारी कहानी स्क्रीन पर होगी, तो सारा डिपेंड कर रहा है क्या पाथ डिफरेंस है, जैसे डायग्राम ये हो या ये हो कोई फर्क नहीं, या ये वाला हो। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई डी एस सी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये सब चीजें हैं। तो डायग्राम तो वाई डी एस सी का ऐसे बने, ठीक है ना, डायग्राम तो वाई डी एस सी का ऐसे बनेगा, और जब वाई डी एस सी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ बोल रहा है वाई डी एस सी, तो भी सेटअप बिल्कुल यही रहेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, जब भी चेंजेस होंगे वो क्लियरली मेंशन करेगा कि अब हम इस तरह के वाईडीएसई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पानी भर रहे हैं, यहाँ पर आधा पानी, यहाँ पर दूसरा ऑयल, कुछ भी करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे अपन जब इसके मॉडिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। बट स्टैंडर्ड वाईडीएसई का स्टैंडर्ड सेटअप सिर्फ इतना ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड वो है एकदम, कैपिटल डी आपकी स्क्रीन की और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ऑलवेज कैपिटल डी इज मच लार्जर देन स्मॉल डी, बार बार कोई लिखेगा नहीं, हमेशा है। ठीक है, नहीं हुआ कभी तो जरूर लिख दे। तो इन वाईडीएसई टू लॉन्ग पैरेलल स्लिट एस वन एंड एस टू आर यूज एज ए सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, ये सब लिखना है बोर्ड में, ये थोड़ा सा ऐसा थोड़ी डायग्राम बना के छोड़ दो, कुछ पॉइंट लिखोगे भी तो सही। तो ये वो सब लिखने वाली बातें हैं कि लाइट कमिंग फ्रॉम एस वन एंड एस टू इज सुपर इम्पोज ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट, द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाई ए सिंगल स्लिट कैपिटल एस, ठीक है ना, पैरेलल टू एस वन एंड एस टू। ठीक है, सारी बातें लिख देंगे जो दिख रहा है सामने, हियर एस वन एंड एस टू विल एक्ट, ये भी जरूर लिखेंगे कि अब क्योंकि हमने एक ही सोर्स से दो सोर्सेज बनाए हैं, तो दैट टू सोर्सेज एस वन एंड एस टू मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है ना, तो इसलिए देयर विल बी द कॉन्स्टेंट पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो स्मॉल कैपिटल डी बहुत ज्यादा है, तो वेव्स रीचिंग एट पी आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है, तो इसमें ई वन और ई टू के फार्मूले यही थे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहे ना बेटा एक्सप्रेस डिराइव करो, डायग्राम शो करो, एक्सप्लेन करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो इसके बाद वो पूरा डेरिवेशन कर देना है जो मैं आपको शुरू में करा चुका हूँ, बिल्कुल बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है वो,
एक्सप्लेन वाई डी एस सी, ड्रॉ द सेटअप एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्ट इन इंटेंसिटी। तो ये पूरी कहानी करनी पड़ेगी, वहां पर सब लिख दी गई है, इसलिए आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। ठीक है, पहले तो ये दो डायग्राम बनते हैं स्टैंडर्ड वाई डी एस सी, बहुत ही फेमस। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेप में ये डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि एस वन एस टू बनाए, कैपिटल एस कोहेरेंट होंगे, वहां पर सुपर इम्पोज करेंगे, ये कंडीशन है। फिर करते हैं लेट से इक्वेशन ऑफ वन वेव एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड, फिर पूरा पता है आपको, तो उसके फिर फाइनली आप यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकता। फिर अब हमारे पार्ट डिफरेंस किसी पी पॉइंट पर कैसे निकाल, ठीक है, वो अगर कहे तो करेंगे, नहीं तो इतना होता है कि एक्सप्लेन करो और पार्ट डिफरेंस कहेगा निकाल देना, एक और स्टेप कर देना है पार्ट डिफरेंस, इतना आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा मत लिखना, नहीं तो एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना दो। ठीक है, तो पहले दो डायग्राम बनेंगे बहुत क्लियरली, उनको लिखा जाएगा चार पांच पॉइंट्स में, और फिर कहता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो उसका मतलब वही डेरिवेशन है। फिर ये मत समझना कि कहाँ क्या करना था, मैं समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये तो आपने पहले कर दिया था, ऐसे भी करते हैं, ये तो आपने पहले कर दिया था इसके, तो अब हम क्या करते हैं, तो इसमें वही करना है, फिर कह रहा हूँ। ठीक है ना, वही डेरिवेशन है, और कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का नया एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये वही एक्सप्रेशन, ठीक है, जो वाई डी एस सी के साथ डिराइव करवाया जाए, जनरली 5 नंबर के प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।